हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दोस्तों, चेक बाउंस के केसेस को लेकर अक्यूज्ड पक्ष में अक्सर ये शिकायत रहती है, ख़ास तौर पे अब बैंकों को लेकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लेकर, कि उनके चेक बाउंस के केस अलग अलग स्टेटों में फाइल किए जाते हैं। यानी कि अगर बोरोवर कोलकाता में रहता है तो उसका केस दिल्ली में फाइल कर दिया जाता है, अगर कोई दिल्ली का बोरोवर है तो उसका केस मुंबई में फाइल कर दिया जाता है, चेन्नई में फाइल कर दिया जाता है, क्योंकि जो बैंकों की ब्रांचेज हैं वो ऑलमोस्ट सभी बड़े शहरों में होती हैं, और इससे जो अक्यूज्ड है उसको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर डेट पे जाना होता है चेक बाउंस के केस में, ख़ास तौर पे अक्यूज़ के लिए, क्योंकि वो बेल पर होता है और डेट पर जाके उसको अटेंडेंस लगानी होती है। लेकिन यहाँ बैंकों की बात नहीं हो रही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं हो रही है। अगर कोई दो इंडिविजुअल यानी कि एक कंप्लेनेंट और एक बोरोवर अलग अलग शहरों में रहते हैं, और कंप्लेनेंट ने चेक बाउंस का केस फाइल कर दिया अपने शहर में जहां पर चेक बाउंस हुआ है, और जो अक्यूज्ड है वो किसी दूसरे स्टेट में रहता है या किसी और सिटी में रहता है, तो क्या ये संभव है कि अक्यूज्ड की एप्लीकेशन पर हाई कोर्ट से चेक बाउंस का केस यानी कि सेक्शन 138 ऑफ NI एक्ट का केस अक्यूज्ड के शहर में ट्रांसफ़र किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, क्या लीगल पोजीशन है? दोस्तों, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या ये पॉसिबल है कि चेक बाउंस की कंप्लेंट एक शहर से दूसरे शहर में या एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र हो सकती है या नहीं हो सकती। दोस्तों, इस संबंध में माननीय कर्नाटका हाईकोर्ट की कलबुर्गी बेंच का एक बहुत ही ताज़ा जजमेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलें, और साथ में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते रहें। तो दोस्तों, यहाँ हम बात करेंगे कि चेक बाउंस के केस में एक कंप्लेनेंट है वो अलग शहर में है और अक्यूज्ड है वो एक और अन्य शहर में रहती हैं, और वहाँ से जो डिस्टेंस है वो करीब 400 किलोमीटर का है। तो इसमें जो अक्यूज्ड है वो एक महिला है, और उन्होंने हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई कि क्योंकि जो है केस 400 किलोमीटर दूर है और वो एक महिला हैं और उनको अपने पति का ध्यान रखना पड़ता है, बीमार हैं वो, इसलिए वो हर डेट पर वहाँ नहीं जा सकती कोर्ट के सामने पेश होने के लिए, इसलिए उनका केस उनके शहर में ट्रांसफ़र किया जाए। तो दोस्तों, रेफरेंस के लिए आप इसका नंबर जो है नोट कर सकते हैं, क्रिमिनल पटिशन नंबर है 2006902023 की है, केस का टाइटल है रेणुका गोलाबर्गी वर्सेस मोहन, और इसमें जो जजमेंट दी है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस के नटराजन की सिंगल बेंच की ये जजमेंट है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि ये एक ट्रांसफ़र पिटीशन फाइल की गई थी सेक्शन 407 CRPC के तहत, और इसमें हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं, जजमेंट दी है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि माननीय कोर्ट ने कहा कि जो अक्यूज के द्वारा चेक इशू किए गए थे वो बाउंस हो गए, इसलिए उनका जो कंप्लेंट है वो कोर्ट में फाइल की गई, कंप्लेंट ने अपने शहर में वो केस फाइल किए, और अगर जो है केसेस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जैसे कि एप्लीकेशन में प्रेयर की गई थी अक्यूज्ड के जो है स्टेट में टाउन में, तो कंप्लेनेंट को हर डेट पर पेश होना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि इस केस में कंप्लेनेंट और अक्यूज्ड दोनों की प्रेजेंस जरूरी होती है, और अगर कंप्लेनेंट हर डेट पर पेश नहीं होता तो हो सकता है जो मजिस्ट्रेट हैं वो केस को डिसमिस कर दें और अक्यूज्ड को एक्विट कर दें, इसलिए उनको हर डेट पर
पेश होना पड़ेगा और कंप्लेनेंट के लिए ये संभव नहीं होगा कि वो अपने शहर से 400 किलोमीटर दूर जाकर कंप्लेनेंट के तौर पर हर डेट पर आप पेश हों। और इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है एस नलिनी जयंती वर्सेज रामासुब्बा रेड्डी 2022 का केस है। इसमें यह होल्ड किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि केस केवल इस ग्राउंड पर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता कि पेटिशनर बुजुर्ग हैं या वो महिला हैं, वो ये कोई ग्राउंड नहीं है केस ट्रांसफ़र करने का। और लेकिन अक्यूज्ड को हर डेट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि आप वहाँ से पर्सनल अपीयरेंस से एग्जम्पशन ले सकते हैं, एप्लीकेशन देकर इसमें छूट मिल जाती है और उनके लिए हर डेट पे जाना ज़रूरी नहीं है। वो तभी जाएं जब वहाँ पर कोई एविडेंस हो रहा हो या 313 की स्टेटमेंट हो रही हो अक्यूज्ड की, तब उनका जाना ज़रूरी है। लेकिन बाकी डेटों पर जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है, एडवोकेट है, वो उनको डिफेंड कर सकते हैं और इसके लिए जो एप्लीकेशन है वो लगानी पड़ेगी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। जब भी डेट होगी तभी एप्लीकेशन लगेगी और मजिस्ट्रेट उसको कंसीडर करेंगे इस ग्राउंड पर कि अब महिला है वो दूर से उनको आना पड़ता है, इसलिए जो है वो उसमें उनको डेट पर छूट दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो अक्यूज्ड की आइडेंटिटी है वो डिस्प्यूटेड नहीं है, यानी कि संभावना नहीं है कि अगर वो को कोर्ट में पेश नहीं होंगी तो वो एब्सकॉन्ड कर जाएंगी या जो है ट्रायल में शामिल नहीं होंगी। और जो अक्यूज्ड की प्रेजेंस है वो नेसेसरी नहीं होती जब तक कि कोई जो है चार्जेस फ्रेम हो रहे हों या प्ली को रिकॉर्ड किया जा रहा है या 313 की स्टेटमेंट हो रही हो, तब तो ज़रूरी है, अन्यथा जो है अक्यूज्ड एप्लीकेशन देकर वहाँ से पेशी पर छूट ले सकता है। और अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट रहेगा, कंप्लेनेंट कोर्ट में अपने केस की पैरवी करने नहीं जाएगा, तो हो सकता है सेक्शन 256 के तहत मजिस्ट्रेट चेक बाउंस का केस डिसमिस कर दें, जिससे उसको जो है बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। और इस संबंध में माननीय कोर्ट ने कहा कि अगर जो पिटिशनर है वो एग्जम्पशन की एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करती हैं तो तब मजिस्ट्रेट उसको पॉजिटिवली कंसीडर करेंगे, लेकिन जब उनकी आवश्यकता होगी किसी एविडेंस के तौर पर तब उनको कोर्ट में पेश जरूर होना पड़ेगा। और इन ऑब्जर्वेशंस के साथ माननीय कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो चेक बाउंस की अक्यूज थी उनकी पिटिशंस को डिसमिस कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर क्रक्स ये है इस वीडियो का कि जो चेक बाउंस के केसेस हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में, एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रांसफ़र उनको करना बहुत ही मुश्किल है। ये प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि कंप्लेनेंट के लिए ये बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, आप मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। हैव ए वेरी नाइस डे, टाटा बाय बाय, टेक केयर।